दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जो अपनी बहनों के साथ एक परफेक्ट क्रिसमस सेलिब्रेट करने का वादा करती है, पर दोस्तों ऐसा कम ही होता है जो हम चाहे वैसा हर बार हो जाए। कहानी की शुरुआत में हम चार बहनों को देखते हैं जो अपनी न्यूयॉर्क की फ्लाइट के लिए पैकिंग कर रही होती है ताकि वो अपनी आंट मेली के साथ क्रिसमस मना सके, और चारों मिलकर अपनी पैकिंग में जुट जाती है। इनके लिए ये क्रिसमस बहुत खास होता है और ये चारों बाबी, स्किपर, टेसी और चार्ल्सी निकल पड़ते हैं अपने परफेक्ट क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। फ्लाइट में बाबी स्किपर से कहती है कि अगर उसका सॉन्ग पूरा हो चुका है तो वो यहाँ कई म्यूजिक बैंड को जानती है जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, पर स्किपर कहती है कि उसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, वो ये सब खुद करना चाहती है। और दूसरी तरफ चेसी टेसी की बार बार कॉपी करके उसे परेशान करती है। तभी फ्लाइट कैप्टन के द्वारा अनाउंसमेंट होती है कि आगे भयंकर तूफान के कारण उन्हें अपनी फ्लाइट की लैंडिंग नजदीकी किसी एयरपोर्ट पर करनी होगी, जिससे टेसी और चार्ल्सी बाबी से कहती है कि मतलब हम आज रात न्यूयॉर्क नहीं पहुंच पाएंगे और क्रिसमस का क्या होगा, जिससे बारबी प्रॉमिस करती है कि वो न्यूयॉर्क जरूर जाएंगे चाहे उसे कार लेकर ही क्यों ना जाना पड़े। और कार में बाबी उन्हें कहती है कि हम नजदीक के एयरपोर्ट पर जाकर न्यूयॉर्क की फ्लाइट ले सकते हैं, पर टेसी कहती है कि हम तो 2 घंटों से कार में बैठे हुए हैं, और स्किपर कहती है कि उसके फोन का GPS भी काम करना बंद कर चुका है। तभी चार्ल्सी कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, जिससे वो पास में ही एक गेस्ट हाउस की तलाश करने लगते हैं और उन्हें एक गेस्ट हाउस मिल जाता है, और वहाँ क्रिस्टी नाम की लेडी उनका वेलकम करती है। और अंदर जाते हुए वो देखते हैं कि वहाँ बहुत से लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियों में लगे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार होता है। क्रिस्टी बताती है कि वो हर बार एक यादगार क्रिसमस मनाते हैं और सब में गिफ्ट्स बांटते हैं, और बाकी सब भी क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते हैं और मिलकर बहुत से गिफ्ट रैप करते हैं। चार्ल्सी कहती है कि ये तो बिल्कुल सांता की वर्कशॉप की तरह है, और बाबी क्रिस्टी से कहती है कि वो सिर्फ आज रात यहाँ रुकने वाले हैं, कल सुबह उनकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट के लिए वो निकल जाएंगे। और क्रिस्टी उन्हें घर का सबसे बेस्ट रूम स्टे के लिए देती है। रूम में स्किपर सबसे कहती है कि शायद हम आंट मेली से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि आज रात एक और भयंकर तूफान आ रहा है और फ्लाइट का टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल है। पर बाबी कहती है कि ये न्यूज वाले ज्यादातर मौसम की गलत खबर देते हैं, हमारी फ्लाइट मॉर्निंग में सबसे पहले है, हम तूफान के आने से पहले ही निकल जाएंगे। और सबके सोने के बाद बाबी विंडो पर परेशान खड़ी होती है कि इतनी बर्फ में उनका न्यूयॉर्क पहुंचना बहुत मुश्किल है, शायद उसे सुबह उन सब से माफी मांगनी होगी। तभी वो एक सबसे चमकीले तारे को देखकर विश मांगती है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। तभी बाबी अपने पीछे क्रिस्टी को देखती है और उसके पूछने पर बाबी कहती है कि मैंने अपनी बहनों को एक परफेक्ट क्रिसमस मनाने का वादा किया था, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तभी क्रिस्टी कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि बर्फीला तूफान आया और फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती, और तुम एक परफेक्ट क्रिसमस किसी को दे नहीं सकती, ये कोई चीज नहीं है, एक परफेक्ट क्रिसमस तो एक एहसास है। और क्रिस्टी उसे फिर से पूरे मन से विश करने के लिए कहती है। सुबह होने पर टेसी और चार्ल्सी बाबी से कहती है कि देखो बाहर धूप निकली है और तूफान रुक चुका है, हम न्यूयॉर्क जा सकते हैं। पर स्किपर कहती है कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि रनवे अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं और पता नहीं इसमें कितना टाइम लग सकता है, जिसे बाबी कहती है कि हम फिर कभी वहाँ क्रिसमस मना लेंगे। और वो विंडो से बाहर एक रेनडियर को देखती है, जिससे सब मिलकर उन्हें देखने बाहर जाते हैं। क्रिस्टी उन्हें बताती है कि वो रेनडियर नहीं है बल्कि उन्हीं की तरह ड्रेसअप किए हुए रेन डॉग्स हैं। वो सब मिलकर उनके साथ खेलने लगते हैं और चार्ल्सी फिर से टेसी की कॉपी करने लगती है, जिससे वो कहती है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। और चार्ल्सी गुस्सा होकर एक डॉग के स्ले पर बैठ जाती है, जिससे डॉग एक गिलहरी को देखकर उसके पीछे भागने लगता है, और ये देखकर बाकी सब भी चार्ल्सी को बचाने उसके पीछे भागते हैं और सब आकर बर्फ में बुरी तरह फिसल जाते हैं। पर चार्ल्सी कहती है कि उसे तो बहुत मजा आया, पर बाकी सब उसे डांटते हैं। और वो सब अचानक से वहाँ बहुत सी रियल रेनडियर्स को देखते हैं, जिसे चार्ल्सी कहती है कि मैंने कहा था कि मुझे असली रेनडियर दिखे थे, और वो उनका पीछा करने लगते हैं और वो उन्हें एक स्टोर हाउस में लेके आते हैं जहाँ पूरा स्टोर हाउस बहुत से गिफ्ट से भरा होता है। और वहाँ से जाते वक्त चार्ल्सी मस्ती में स्नो बॉल्स फेंकने लगती है और वो सब मिलकर एक स्नो फाइट करने लगते हैं। और फिर स्किपर एक घर में एक म्यूजिक बैंड को प्रैक्टिस करते हुए देखती है और वो उनसे जाकर मिलती है, और बाबी स्किपर से कहती है कि वो इस बार न्यूयॉर्क ना सही तो यही आज रात एक म्यूजिक कॉन्सर्ट कर सकती है, और वो ये सब क्रिस्टी को बताते हैं और क्रिस्टी खुशी खुशी मान जाती है। जहाँ चार्ल्सी और टेसी मिलकर एक एनिमल शो करेंगे, तभी तैयारी के वक्त स्किपर चार्ल्सी की मस्ती से परेशान आ जाती है और टेसी कहती है कि चार्ल्सी तुम सबके काम बिगाड़ती हो,
और जब टेसी डॉग्स को ट्रेन कर रही होती है तभी स्क्रुएल को देखकर सारे डॉग्स उनके पीछे भागने लगते हैं, जिससे शो का सारा सेटअप खराब हो जाता है। और स्किपर कहती है कि अब क्या होगा, 2 घंटों में शो है। और जब बाबी चार्ल्सी के बारे में पूछती है तो वो वहाँ नहीं होती और वो सब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। उसी वक्त स्नोफॉल्स भी शुरू हो जाती है और चार्ल्सी उसी गिफ्ट स्टोर में होती है और बताती है कि टेसी ने कहा कि मैं सबके काम बिगाड़ती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और जब वो स्टोर हाउस को देखते हैं वहाँ गिफ्ट्स नहीं होते, वहाँ एक कॉन्सर्ट के लिए स्टेज प्रिपेयर किया होता है, जिससे क्रिस्टी बताती है कि ये सब उसके अंकल ने उनके लिए किया है। और फिर शो का वक्त होता है जहाँ टेसी और चार्ल्सी मिलकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। और फिर बारी आती है स्किपर की, जो एक शानदार गाना गाती है और वो बताती है कि वो सभी अकेले कभी नहीं कर सकती थी। तभी हम आंट मेली को भी देखते हैं जो वहाँ उनसे मिलने पहुँच जाती है, जिससे चार्ल्सी कहती है कि ये तो बिल्कुल एक परफेक्ट क्रिसमस है। तो दोस्तों, अगर आपका एक प्लान कैंसिल भी हो जाए तो निराश ना होना, क्योंकि जीजस ने हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ सोच रखा होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू। ओके, बाय।